जय हिंद दोस्तों। एलजेब्रा के आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इस पूरे रेलवे बैच का बना हुआ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग डे वन से सारी क्लासेस कर सकते हैं। आपके 6-7 चैप्टर ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं, अभी हमारा एलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं, इस सवाल को देखते हैं। देखने में तो बड़ा आड़ा टेढ़ा सा लग रहा होगा, लेकिन करने में आसान ही होगी, बस एक बार तरीका सीख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 दी गई है, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 6 दिया है, और ये दिया गया है आपको। साथ में ये भी बोल रखे हैं कि ए बी और सी इन तीनों को जीरो लेना मना है, है ना, जीरो के बराबर ये नहीं हो सकते, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब यहाँ पर 1 upon a 1 upon b 1 upon c = 1, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों साइड हर एक टर्म में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। अगर पहले टर्म 1 upon a में हम लोग ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर होगा ए बी सी अपॉन ए, तो a से a कट जाएगा, b इंटू सी बचेगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं तो b इंटू सी बचेगा। फिर प्लस सेकेंड टर्म में ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी अपॉन b होगा, तो b से b कट जाएगा, a इंटू सी बचेगा। ठीक है, a इंटू सी बचेगा। फिर प्लस यहाँ भी होगा तो c से c कट जाएगा, ab बचेगा। ठीक है, इक्वल टू इधर ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी इंटू सी ही आ जाएगा, मतलब ये हो गया आपका। अब आइए, अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये। ठीक है, अब इसमें सीधे सीधे वैल्यू रखते जाइए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। इक्वल टू इधर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू, अब इसको बड़े गौर से देखिए दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही चीज़ तो है यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू किसके बराबर है, ए इंटू बी इंटू सी के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी। यहाँ पर इस पूरे के जगह पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के जगह पर हमने ए बी सी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर आके घट जाएगा तो 3 हो जाएगा और 3/2, तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3/2, यानी कौन से ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे, इसको आसान सा सवाल था, बस देखने में अटपटा सा लग रहा था, उसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते तो आसानी से बन जाता बिना किसी परेशानी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। देखिएगा दोस्तों, अब इस सवाल को देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। पहली बात तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप डायरेक्टली अगर कोशिश करें कि x अपॉन a की वैल्यू रख दें, y अपॉन b की वैल्यू रख दें, z अपॉन c की वैल्यू रख दें, तो वहाँ से आपका काम बिगड़ सकता है, समय ज़्यादा लग जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट सीखिए। सबसे पहले ये देखिए कि x अपॉन a की जो वैल्यू होगी यहाँ से क्या होगी। अगर हम बड़े गौर से देखें, इस a को हम इधर ले आएँ, ठीक है, इस a को अगर इधर ले आएँ तो x अपॉन a हो जाएगा, x अपॉन a की वैल्यू b माइनस c हो गई। अगर इस b को हम लोग इधर ले आएँ तो y अपॉन b हो जाएगा, जो कि c माइनस a के बराबर होगा, और z की वैल्यू है c अपॉन a, है ना, z की वैल्यू कितनी है, c अपॉन a है, तो c की, सॉरी, c इंटू a माइनस b है, तो c को इधर ले आइए तो डिवाइड हो जाएगा, तो z अपॉन c की वैल्यू a माइनस b होगी। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्या, कि अगर तीन वैल्यू का सम जीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर कोई भी तीन वैल्यू हैं, जैसे मान लीजिए कि p है, q है और r है, है ना, p है, q है और r है, इन तीनों का अगर सम जीरो के बराबर है, कभी भी कहीं पर भी जीरो के बराबर है, तो p क्यूब प्लस q क्यूब और प्लस r क्यूब, यानी कि तीनों के सम का क्यूब का सम, तीनों के क्यूब का सम जो होगा वो होगा 3 इंटू तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई, यानी पी क्यू आर के बराबर होगा। क्लियर हो गया बात। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया है x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी, तीनों के क्यूब का सम पूछा गया है, तो तीनों के क्यूब का सम 3 इंटू वो तीनों वैल्यू होंगे, कब, जब तीनों वैल्यू का सम जीरो के बराबर होगा। अगर x अपॉन ए, x अपॉन बी और x अपॉन सी को जोड़ के देखें हम थोड़ा, है ना, तो x अपॉन ए कितना है, बी माइनस सी के बराबर, ध्यान से देखते जाइएगा, y अपॉन बी की वैल्यू यानी दूसरे वैल्यू का कितना है, c माइनस ए है यहाँ पर, तो दूसरी वैल्यू कितनी है, c माइनस ए है, तो यहाँ पर c माइनस ए रखिए, और तीसरी वैल्यू यानी z अपॉन सी कितनी है, a माइनस बी के बराबर है,
ए माइनस बी के बराबर, अगर इन तीनों को हम लोग ऐड कर दें तो क्या ये जीरो के बराबर नहीं आएगा? सब तो कट पिट गया, जीरो आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आ गई, यानी पी क्यू आर की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई। तो उनका बस क्यूब पूछा है, तो ये जो क्यूब पूछा गया है, ये जो क्यूब, ये पूरा इतना वैल्यू पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? तो सीधा सीधा हो जाएगा कितना, 3 इंटू इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई, यानी x अपॉन ए, y अपॉन बी और z अपॉन सी। तो ये हो जाएगा x अपॉन ए, y अपॉन बी और z अपॉन सी, यहाँ नीचे ए बी सी हो जाएगा। तो 3xyz अपॉन ए बी सी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग अंदाज में सवाल दिया गया है। a पावर 1/3 इक्वल टू 6 दिया है। पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो a पावर 1/3 अगर दिया गया है, a पावर 1/3 अगर आपको दिया गया है 6 के बराबर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई पावर में और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई पावर में। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, a आ जाएगा सीधे सीधे। तो a की वैल्यू हो गई 6 का पावर 3। अब इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब अगर हम निकालें, a स्क्वायर माइनस 36। 36 को हम लोग क्या लिखेंगे? 36 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है और इंटू a। तो a की वैल्यू कितनी है? 6 पावर 3 है यहाँ पर, है ना, 6 पावर 3 है। अच्छा, अब ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कितना होगा? 6 क्यूब का, a तो हमारा 6 क्यूब है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ कितना होगा, 6 पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आपस में जुड़ जाते हैं जब बेस सेम होता है। 6 यहाँ 6 यहाँ, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 6 का पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं पावर जब ब्रैकेट लगा होता है। तो ये 6 का पावर 6 माइनस 6 का पावर 5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? 6 की पावर 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कितना आ जाएगा बताइए? तो 6 का पावर अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 1 6 और माइनस यहाँ तो 1 बचेगा, है ना। तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए करते कैसे हैं, 6 पावर 5 और इंटू यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों कि ये यहाँ पर 5 है, अब इसको तरीके से करेंगे, ठीक है, सॉल्व नहीं करते हैं आपको। ये यहाँ पे 5 है और ये 6 का पावर 5 है, मतलब कि 6 का 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 6 चूँकि एक इवन नंबर है, तो कभी भी इवन नंबर का 5 से अगर गुणा हो जाता है तो वो कैसी वैल्यू देता है? यूनिट डिजिट 0 के साथ देता है। कभी भी 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर के साथ हो जाए तो वो आपका यूनिट डिजिट 0 बना के देगा। और यूनिट डिजिट 0 कहाँ दिख रहा है आपको? पॉजिटिव में, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सी तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पे 59 पर, अगले सवाल को देखते हैं। एलजेब्रा के सवालों को करने के लिए दोस्तों आपको आइडेंटिटीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है एलजेब्रा के प्रश्नों को लगाने के लिए। अब इसी में देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप इसको कुछ ही सेकंड में आंसर ला देंगे। कैसे ला देंगे? ज़रा दो आइडेंटिटी यहाँ पर देखिएगा। पिछले क्लासेस में हम सारी आइडेंटिटी आपको लिखवा दिए हैं, जाके देख सकते हैं वीडियोज़ आप लोग, ठीक है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी तो ये है कि भैया अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो ये हो जाता है आपका, इसका फॉर्मूला a प्लस b, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते जाइए, a प्लस b और a माइनस ए बी, सॉरी a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। और इसी तरीके से a क्यूब माइनस b क्यूब का भी होता है, कितना होता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगा है, ये हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा सीधे सीधे पूरा का पूरा प्लस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना ना, ठीक है। अब गौर से देखिए आप, यहाँ है ए प्लस वन, ठीक, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये वाला ये, ठीक है। तो a प्लस वन और वन माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये वन है तो इसको हम लोग वन का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये a है तो इसको a इंटू वन भी कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ,
हुआ कि नहीं, और ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कौन वाला फार्मूला बना, ये वाला बना आपका पहला वाला। तो ये टर्म और ये थर्ड टर्म मिलाकर क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब मतलब तो ए ही रहेगा, ए क्यूब मतलब ए ही रहेगा, ठीक है, और बी क्यूब यानी वन का क्यूब, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करिए वन को इधर रखिए, है ना, तो वन प्लस ए हो जाएगा, तो वन आपका ए बन जाएगा, ठीक है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी की जगह पर ए है, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब, ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे देखिए, अगर इसको देखें वन माइनस ए, अभी यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म हो चुका था, अब इसको सेकंड को और फोर्थ टर्म को देखिए, इन दोनों को, तो वन माइनस ए यानी ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है सेकंड वाला फार्मूला कि नहीं, तो यही हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a मतलब 1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब और माइनस b का क्यूब, यानी b की जगह पर a है, तो a का क्यूब हो गया। अच्छा, लास्ट में आपके पास क्या दिया गया है, a 1 प्लस a पावर 6, तो इसको भी लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर के चार को सॉल्व करके हमने दो टर्म में चेंज कर लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस a पावर 6। अब एक और आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है, अच्छा वन क्यूब की वैल्यू तो वन ही होती है, यहाँ भी वन क्यूब की वैल्यू वन, तो ए प्लस बी ये हो गया, ए माइनस बी ये हो गया, समझ रहे हैं भाई, दोनों वैल्यू तो सेम है, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा है, तो क्या फार्मूला होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दोनों का स्क्वायर और डिफरेंस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स आपका कितना है, वन है, तो वन का स्क्वायर हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है, ए पावर थ्री है, तो ए पावर थ्री का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो ये जो है पहले दो टर्म इसमें बदल गए, अब बाद का एक टर्म कितना है, वन प्लस ए पावर सिक्स है, एकदम डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस ए पावर तीन दूना छः, और इधर हो गया वन प्लस ए पावर सिक्स, अब तो फिर से वही बन गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, है ना, तो फिर से ये आपका स्क्वायर हो जाएंगे और डिफरेंस हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन ही होगा माइनस वाई का स्क्वायर, तो ए पावर सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए पावर बारह आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन सवाल था, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, अब इसमें भी वही आइडेंटिटी लगने वाली है, ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी इसमें भी लगने वाला है, कैसे लगेगा सुनिएगा, यहाँ है वन प्लस एक्स यानी ए प्लस बी, यहाँ है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा यानी कि बन जाएगा आपका वन का स्क्वायर वन ही होगा और माइनस बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होगा, बगल में आपके पास क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, अभी बाकी बाद की ये दोनों टर्म रहने दीजिए, अभी इनको सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी फिर से वही चीज़ बन गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर तो वन ही आएगा माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक्स पावर दो दूना चार आ जाएगा, ये हो गया इतना। फिर अगला टर्म लिखिए यहाँ पर, है ना, अगला टर्म क्या है आपका वन प्लस एक्स पावर फोर है, अब फिर से अच्छा अगला टर्म भी लिख दीजिए वन प्लस एक्स पावर एट है यहाँ पर, ये बताइए दोस्तों ये फिर से वही बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स पावर चार का स्क्वायर, तो एक्स पावर चार का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर आठ आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर ये आ गया, बगल में आपका भी बैठा हुआ है एक्स पावर एट वन प्लस, ठीक है ये, अब फिर वही चीज़ है ए माइनस बी ए प्लस बी ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो बताइए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी एक्स पावर आठ का स्क्वायर, तो एक्स पावर आठ का स्क्वायर आठ दूना सोलह हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छोटा सा सवाल था, आगे चलते हैं, अब हम लोग का टाइप चेंज होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब हमारे पास हैं थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न जिनमें आपका रेशनलाइजेशन लगेगा, थ्री रूट फाइव माइनस फाइव और थ्री रूट प्लस प्लस फाइव, ठीक है, ये आपका a प्लस बी रूट फाइव के बराबर दिया है, b का मान निकालना है, a का मान भी निकाल सकते हैं b का मान भी निकाल सकते हैं, हमको राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं है, वो लास्ट में काम आएगा, हमारा मतलब है यहाँ पर इससे
इसको हमको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो एक इरेशनल वैल्यू है, इसको रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करने के एक डायरेक्ट तरीका हम आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनते जाइए। हमारे पास वैल्यू क्या है, 3√5 और -5 और डिवाइड में कितना है, 3√5 और प्लस का 5। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है, कुछ मत करिए। नीचे जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी वैल्यू दी गई है इरेशनल वैल्यू, उसका साइन चेंज करके, जो बीच में साइन लगा है ना, वो साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3√5 है प्लस 5, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे ऊपर तो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन चेंज करके। साइन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√5 -5 हो जाएगा, मतलब इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3√5 -5 पहले से है, और यही चीज़ एक और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस ले लेना है। डिवाइड में हमेशा क्या करना है, स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, चाहे यहाँ बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे कोई मतलब नहीं है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। 3√5 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, तो 9 × 5 यानी कि 45 हो गया यहाँ पर, और माइनस क्योंकि हम बोले डिफरेंस लेना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा, तो ये हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर कितना आता है बताइए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर 45 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -2ab, तो माइनस का 2 × a, a का मतलब 3√5 है ना, a का मतलब 3√5 और × b यानी कि 5, इतना हो गया। डिवाइड में तो आपके पास 20 आ जाएगा है ना, 45 - 25 20 आ गया, 45 और 25 को जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6 यानी कि 70 आ जाएगा, 70 माइनस ये कितना हुआ बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 = 10 = 30 30√5 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया आपका 20। अगर हम लोग यहाँ पे काटना चाहें किससे, 10 से, तो 10 से हर जगह कट जाएगा, 10 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 3√5 और डिवाइड बाई 2 बचेगा, तो डिवाइड बाई 2 हम लोग दोनों में लगा सकते हैं क्योंकि ये पूरे का डिवाइड है। ठीक है, अब कंपेयर करिए दोस्तों, अब कंपेयर करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a + b√5। अब कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि इसी पूरे की वैल्यू ये दिया गया था, तो a के जगह आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो a के जगह पर क्या है, 7/2 है। b के जगह पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, -3/2 है, यानी कि जो b की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -3/2 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, a का वैल्यू पूछता तो 7/2 होता, क्योंकि √5 और √5 अपने अपने जगह पर हैं, बस a और b की वैल्यू देखनी थी। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे रेशनलाइजेशन मेथड, यानी कि हर का परिमेयीकरण, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसको, ये भी वैसा ही सवाल है ना, इसमें क्या बोला, √5 + √2 / √5 - √2 = a + b√10, ए बी की वैल्यू आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये निकालना है, कुछ नहीं करिए, रेशनलाइज कर दीजिए इसको। तो √5 + √2 / में देखिए, डिनोमिनेटर में आपको देखना है √5 - √2 है, तो √5 + √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √5 + √2 तो ऊपर पहले से है, और इसी चीज़ को ऊपर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, यानी यहाँ पे बनेगा √5 + √2 का, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बार बार नहीं करेंगे लिखेंगे, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, बस आ गया। इसको सॉल्व करिए कितना होगा, a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 + 2ab है ना, तो 2 × चूँकि दोनों रूट हैं तो रूट के अंदर वाली संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो 2ab ये हो गया। डिवाइड में कितना होगा, 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 7, यहाँ हुआ 7 और प्लस ऊपर हो जाएगा 2√10। ठीक है, ये डिवाइड में 3 है तो इसको दोनों के साथ लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है, यहाँ भी बस कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के बाद चूँकि ये दिया है a + b√10 के बराबर, इतना ही दिया है, कंपेयर करिए कितना हो जाएगा,
ए की वैल्यू 7/3 और बी की वैल्यू 2/3, 7/3, 2/3 आपके ऑप्शन नंबर डी में रहा होगा जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है, है ना। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ए की वैल्यू 7/3 और बी की जो वैल्यू है वो 2/3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहा होगा, ये यहाँ पे आया नहीं है, वो कट गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया ना कैसे करना है आप सवालों को। देखिए ये भी रेशनलाइजेशन वाला ही सवाल है, नीचे का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5√2 प्लस 7 से करेंगे, क्योंकि प्लस हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, साइन चेंज करके। डिवाइड में क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस। 5√2 का स्क्वायर कितना होगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 25 दूना 50, ये हो गया 50 और माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, इक्वल टू ये किसके बराबर दे रखा है, ए रूट 2 और प्लस यहाँ पर बी के बराबर। 50 माइनस 49 तो ये तो एक हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में एक का मतलब तो कुछ नहीं, हटा दीजिए बस, कंपेयर हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ए बराबर 5 और बी बराबर 7, कंपेयर करने पर ये तो डायरेक्ट आ गया, इसमें तो कुछ सही ही नहीं था। ए और बी का मान क्या होगा, तो 5 और 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब आप लोग अगर सीख गए हो तरीका तो इस सवाल को एक बार लगाने का प्रयास करिए, रोकिए वीडियो को, पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या दिया, 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3, नीचे प्लस वाली दी गई है, ऊपर माइनस वाली वैल्यू दी गई है, तो नीचे का साइन चेंज करके ऊपर उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का अगर साइन चेंज करेंगे तो माइनस होगा, और इसी वैल्यू का जो वैल्यू ऊपर है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस माइनस वाले होंगे, यानी स्क्वायर हो जाएगा। भाई दो सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर नहीं होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर हो गया आपका 3√2 माइनस 2√3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस, 3√2 का स्क्वायर बताइए, 9 × 2 = 18, ठीक, ये हो जाएगा 18, फिर माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 = 12, ये हो गया 12 आपका। इसको सॉल्व करिए पहले, कितना होगा, ए का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर यानी कि 18 प्लस बी का स्क्वायर 12 और माइनस 2ab, तो 2 × देखिए अब ध्यान से यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, 2 × a × b बोला है ना, तो 2 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो गया 6, 6 × 2 = 12, यहाँ पर हो गया कितना 12, और अंडर रूट ये हो जाएगा ना भाई, √2 और √3 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, रूट का 6 आ गया। अच्छा डिवाइड में क्या है आपके पास, 6 है, ठीक है। अब ये 6 जो है दोनों काट देगा, 6 से सब कट जाएंगे ना भाई, यहाँ 18 और 12 कितना हुआ, 30 हो गया, तो 30 माइनस 12 √6 आ जाएगा, और ये जो 6 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, तो यहाँ आ गया आपका 5 माइनस 2√6, 2√6 ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी गई है a + b√6। अब कंपेयर कर सकते हैं कि a का वैल्यू 5 है, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं a की वैल्यू 5 है और b का वैल्यू माइनस का 2 है, तो 5 और माइनस 2, आपको b का वैल्यू पूछा था तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए देखिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा सेम टाइप का वैल्यू नहीं दिया है, सिमिलर नहीं दिख रहा है हमको, है ना। ऊपर है 7 + 2√5, ऊपर हो जाएगा 7 + 2√5, है ना, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का साइन चेंज करके, साइन चेंज करिए तो 11 − 3√5 हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस था, ठीक है। और डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर का डिफरेंस, 11 का स्क्वायर 121 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45, ये हो गया 45। इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, बाकी का तो देखेंगे, इसको करिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 का 11 से होगा तो 11 × 7 = 77, फिर 7 का −3√5 से होगा तो −7 = 21√5 हो गया, ये हो गया 21√5, फिर √2 √5 का 11 से होगा तो +22√5 हो जाएगा, है ना, 22√5 हो गया, और +2√5 का −3√5 से तो 3 × 6, है ना, माइनस का हो जाएगा 6 और √5 × √5 तो सीधे सीधे 5 आ जाएगा, है ना, √5 × √5 करेंगे तो कितना होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, हो गया। नीचे में कितना होगा बताइए, तो डिवाइड में 121 − 45, 11 में से 5 गया 6 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, सॉरी 7,
भाई 11 है ना, 11 में से 4 गया, 7 हो जाएगा। ओके यहाँ पे कितना होगा, 77 और 6 पंचे 30, 77 माइनस 30 कितना हो जाएगा 47, ये हो गया 47 माइनस, सॉरी अब जो भी आएगा वो लिखेंगे है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, माइनस का 21 रूट पाँच है, यहाँ प्लस का 22 रूट पाँच है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 22 रूट पाँच है, यहाँ 21 रूट पाँच है, तो 22 रूट पाँच में से 21 रूट पाँच घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्लस का एक ही रूट पाँच बचेगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 76 हो गया। आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए प्लस बी रूट फाइव, बी रूट फाइव। सिंप्लीफाई करिए इसको थोड़ा सा और, ये जो 47 है इसके नीचे भी 76 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे तो रूट फाइव के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 बाई 76 भी लिख सकते हैं और ये रूट फाइव हो जाएगा। अब कंपेयर कर सकते हैं, तो ए प्लस बी रूट फाइव कंपेरिजन करिए कितना होगा, ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 बाई 76, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ये करेक्ट होगा। ठीक है समझ में आ गया ना, लाइक वाइक करते चलिए, कंजूसी नहीं करना है। ये सवाल भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है इसमें, इसमें बस सॉल्व करना है जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे ही। ये बताइए दोस्तों, यहाँ है रूट 7 माइनस 1, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब भी फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 7 माइनस 1 का रूट 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज़ इसमें और हम आपको बताते हैं, आप डायरेक्टली याद रखिए जब भी आपको, भाई यहाँ पर रूट 7 माइनस 1 है, नीचे रूट 7 प्लस 1 है, जब भी आपको एक रिजल्ट हम पिछले क्लासेस में बताए हैं, जो पूरा पूरा वीडियो देखते हैं उनको सारी चीज़ें पता है, वो नोट करते हुए चलते हैं, आप जो कहीं से भी मतलब कि बीच में से देखने लगते हैं उनको नहीं पता चल पाता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ऐसे है दोस्तों, a माइनस बी और अपॉन a प्लस बी, ठीक है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और माइनस भाई रूट 7 प्लस ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया यानी उल्टा हो गया, तो a प्लस बी ऊपर चला गया, a माइनस बी नीचे आ गया, a माइनस बी नीचे आ गया। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो हम आपको बताते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ये आता है, ये आ जाता है आपका सीधे सीधे कितना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे है ना, यहाँ प्लस टू ए बी, हाँ माइनस फोर ए बी हो जाएगा इसका जो रिजल्ट है, ऊपर माइनस फोर ए बी और डिवाइड में इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट है जब भी ऐसा देगा तो ये आएगा, सॉल्व करने पर यही आता है, बस इसमें रख दीजिए ये वाला। ठीक है तो हो जाएगा कितना, माइनस का फोर, ए की वैल्यू कितनी है रूट सेवन, ठीक है यहाँ देखिए रूट सेवन इंटू बी की वैल्यू वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए मतलब रूट सेवन, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन माइनस वन का स्क्वायर यानी वन हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका माइनस फोर रूट सेवन और डिवाइड बाई सिक्स होगा, काट सकते हैं थोड़ा सा, काट दीजिए तो ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा तीन, मतलब ये हो गया आपका माइनस का टू अपॉन थ्री रूट सेवन। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, ये किसके बराबर है, तो माइनस टू अपॉन रूट टू अपॉन थ्री रूट सेवन जो है ये है बराबर ए प्लस बी रूट सेवन। अच्छा ये बताइए रूट सेवन का कोफिशियंट तो यहाँ पर भी है, ए तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हम लोग जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू जीरो हो गई और बी का वैल्यू कितना होगा माइनस का टू बाई थ्री, बी का वैल्यू माइनस का टू अपॉन थ्री हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है तो ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा।